वेलकम टू कोर क्लासेस स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं BPHE 102 ऑसिलेशंस एंड वेव्स, जिसका हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है सुपरपोजिशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेशंस। जब यूनिट फर्स्ट हमने की थी, उसमें उसका नाम था सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने हार्मोनिक मोशन को डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे है सिंपल की बजाय है सुपरपोजिशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेशन। सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक चीज को दूसरी चीज के ऊपर रखेंगे तो हम बोलेंगे कि हमने इसको सुपरपोज कर दिया है। तो इसलिए यहाँ इसका मतलब क्या होगा कि एक हार्मोनिक ऑसिलेशन की बजाय हम यहाँ पे एक से ज्यादा हार्मोनिक ऑसिलेशन की बात करने वाले हैं, क्योंकि हमने जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ी थी यूनिट नंबर 1 में, तब वहां पे हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमने बॉक्स के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे भी हमने सिर्फ एक ही सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम था और टॉर्शनल पेंडुलम था, सभी में सिर्फ एक ही जो सिंपल हार्मोनिक मोशन थे उसके बारे हमने सीखा। तो यहाँ पे होगा, अगर एक के बजाय दो या दो से ज्यादा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस हों, तो उस टाइम क्या हम हार्मोनिक ऑसिलेशंस को फाइंड कर सकते हैं, उसकी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, उसका रीस्टोरिंग फोर्स, उसका एक्सेलरेशन, ये सभी हम फाइंड कर सकते हैं, एनर्जी फाइंड कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की बजाय अगर यहाँ पे एक किसी भी ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जीक्यूट कर रहा है मोर देन वन ऑसिलेशन साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे एक से ज्यादा ऑसिलेशंस में उसे एग्जीक्यूट करवाना हो, क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो उसे हम फाइंड कैसे कर सकते हैं? यस, इट इज पॉसिबल एंड वी कैन फाइंड इट बाय द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले एक समझ लेते हैं कि एक्चुअल में इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज कीजिए कि आप एक मार्केट प्लेस में खड़े हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइस है, वहां पे आपको पता है देयर आर साउंड वेव्स, एक से ज्यादा साउंड वेव्स वहां पे होंगी, नंबर ऑफ साउंड वेव्स आर देयर इन द नॉइसी मार्केट प्लेस एंड दीज साउंड वेव्स आर अकरिंग ऑन आर ईयर डायफ्राम साइमल्टेनियसली। एक ही टाइम पे बहुत सारी साउंड वेव्स वहां पे ट्रेवल कर रही हैं और उन सभी साउंड वेव्स का एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट होगा और उनका फ्रिक्वेंसी भी डिफरेंट होगा, क्योंकि जो ऑसिलेशंस हैं वो साउंड वेव्स की वजह से, उसी वजह से ही साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। मतलब जो ऑसिलेशन है, इट इज अ कॉज फॉर साउंड वेव प्रोडक्शन। तो इसका मतलब ये होगा कि जो रिजल्टेंट मोशन है, द रिजल्टेंट मोशन ऑफ ईयर डायफ्राम, इट इज गवर्न बाय दिस प्रिंसिपल विच इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब यहां पे अगर इसका मतलब समझे, इट मीन्स दैट एट एनी गिवन टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू और मोर सिंपल मोर हार्मोनिक मोशंस साइमल्टेनियसली, देन इट विल इक्वल टू सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन दीज हार्मोनिक ऑसिलेशंस एक्ट ऑन इट सेपरेटली। मतलब अगर हम बात करें कि हम बोल रहे हैं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, अगर हमें फाइंड करनी हो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का, अगर फाइंड करना हो तो इट विल इक्वल टू सम, ये सभी डिस्प्लेसमेंट का सम होगा, कौन सी? एल्जेब्रिक सम ऑफ दोज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी जब वो हार्मोनिक ऑसिलेशन में एग्जीक्यूट कर रही है सेपरेटली। जब वो सेपरेटली एग्जीक्यूट कर रही थी, उन सभी का जो डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर उसका एल्जेब्रिक सम ले लिया जाए, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि दिस इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू मोर देन टू हार्मोनिक ऑसिलेशंस। मतलब कि इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स होंगे ऑसिलेशंस की वजह से, उनका अगर एल्जेब्रिक सम किया जाए तो हम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए एक सिंपल पेंडुलम है, दिस इज द बॉब विथ मास एम, और यहाँ पे एक टाइम टी, सपोज कीजिए अभी ये बॉब जो रेस्ट पे था, अगर रेस्ट पे है तो उस टाइम कब होगा? जब टाइम जीरो है, व्हेन टी इज इक्वल्स टू जीरो, टाइम इज इक्वल्स टू जीरो, सपोज कीजिए उसका जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा ए1, ठीक है? तो उस टाइम वेलोसिटी तो उसकी जीरो होगी।
अब इसको इसमें जो बॉब है उसका मास एम है, जो नेक्स्ट एग्जांपल जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे भी उसका मास सेम ही रखने वाले हैं। तो इसको हमने पता है कि जो पेंडुलम है वो कैसे बनता है, उसको उसको रिजिड सपोर्ट के साथ हमने टाई किया हुआ, जिसका स्ट्रिंग का लेंथ है एल और उसका मास एम है, तो उसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमने माना ए वन। अब हम नेक्स्ट इनिशियल कंडीशन और एक डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें उसका जब ए वन उसका इनिशियल था, उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, सपोज कीजिए उसकी इनिशियल फ्रॉम जीरो अप टू द डिस्प्लेसमेंट, अप टू हायर जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट होगी ए टू, ए वन पहले के केस में, दूसरे केस में ए टू। अब अगर बात करें, एक पहला हमने केस लिया जहां पे डिस्प्लेसमेंट कितनी थी ए वन, और दूसरा केस हमने लिया इनिशियल कंडीशन जहां पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था ए टू। अगर हम बात करें कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अब कैसा होगा, क्योंकि हमने क्या कहा था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम तभी फाइंड करते हैं अगर यहाँ पे नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेशंस हो या फिर दो हार्मोनिक ऑसिलेशंस हो। तो हमने एक फर्स्ट केस लिया जिसमें डिस्प्लेसमेंट ए वन था, तो सेकेंड हमने इनिशियल कंडीशन तब ली जब उसका डिस्प्लेसमेंट ए टू था बॉब के लिए। अगर हमें इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना हो तो क्या करेंगे हम, एल्जेब्रिक सम अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हम क्या करेंगे इनका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका सम करेंगे, जिसकी वजह से हमें उसका सम करने के वजह से क्या मिलेगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। देयर फोर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द बॉब इट इज द सम ऑफ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट्स एक्स, या फिर हम बोलेंगे नेक्स्ट टर्म ए थ्री भी बोल सकते हैं, जिसको हम लिखेंगे सम ऑफ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ए वन एंड सेकेंड फॉर सेकेंड केस ए टू। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अब भी जीरो है, यहाँ पे आपको रिजल्टेंट दिखाया गया है, ए वन थी यहां तक, फिर ए टू यहां तक, जो रिजल्टेंट थी ये क्या था, दोनों का सम, ए थ्री इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू। अब बात करते हैं एक स्टेटमेंट, प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर डिस्प्लेसमेंट्स इट इज द सम। मीन्स अगर हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है किसकी वजह से, दो या दो से ज्यादा हार्मोनिक डिस्प्लेसमेंट्स की वजह से होने वाली सुपरपोजिशन, उसका अगर हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है देन इट विल इक्वल टू एल्जेब्रिक सम। किसका एल्जेब्रिक सम, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, किसकी इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, ऑल सब्सिक्वेंट टाइम, सभी टाइम पे, एक ही टाइम पे अगर होने वाली जो सभी डिस्प्लेसमेंट्स होगी अगर उनका हम एल्जेब्रिक सम कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन सबसे पहले आपने समझा क्या होता है, और आपने एग्जांपल के साथ समझा कि इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअल साइमल्टेनियसली होने वाली हार्मोनिक ऑसिलेशन, दो या दो से ज्यादा हार्मोनिक ऑसिलेशंस का मतलब क्या है, इसे हमने डायग्राम के साथ समझाया, जिसकी वजह से आपको स्टेटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन जो समझने के लिए, इस प्रिंसिपल को का स्टेटमेंट समझने के लिए आपको इजी लगेगा। तो ये जो था आपके लिए अभी तक जो था, ये सिर्फ आपका अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से आपका जो मेन होता है टॉपिक वो स्टार्ट होता है। अब हम देखेंगे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वैलिडिटी है तो अगर हम उसको प्रूव करना चाहें तो कैसे करेंगे। इस प्रिंसिपल को हम वैलिड हम तभी मानेंगे, इस फिनोमिना को तभी मानेंगे ये, और दूसरी बात ये उन्हीं फिनोमिना पे अप्लाई होगा, उन्हीं फिनोमिना पे वैलिड होगा विच कैन बी डिस्क्राइब बाय लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, लीनियर भी और होमोजीनियस भी, दोनों ही होनी चाहिए, तभी हम उन पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इक्वेशन हम स्टार्ट करेंगे, हमने जो फर्स्ट यूनिट में सिंपल पेंडुलम के लिए इक्वेशन ली थी वही इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लिखें, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो, ये थी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें वेरिएबल क्या है, थीटा। अब ये लीनियर और होमोजीनियस का मतलब क्या है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें अगर जो ये वेरिएबल है थीटा, अगर इसकी फर्स्ट पावर होगी तो इसको हम मानेंगे लीनियर, मतलब कि लीनियर इक्वेशन होने के लिए इस वेरिएबल का जो पावर है वो हाईएस्ट पावर, फर्स्ट पावर होना चाहिए। होमोजीनियस के लिए कंडीशन क्या है कि इसमें जो ये वेरिएबल होगा, यहाँ इसके अलावा कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए, अगर कोई और टर्म भी ले रहे हैं वो इस
वेरिएबल पे डिपेंडेंट होनी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे ओमेगा नॉट ले रहे हैं, इट इज डिपेंडेंट अपॉन थीटा, दैट इज वाई ये होमोजीनियस कहलाती है। इसका मतलब जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के केस में हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे इक्वेशन जो होगी डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी लीनियर एज वेल एज होमोजीनियस। इफ अ फिनोमिना कैन नॉट डिस्क्राइब बाय लीनियर इक्वेशन देन दिस प्रिंसिपल कैन नॉट बी यूज्ड। अब बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मीनिंग फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम हमने फर्स्ट यूनिट में जो पढ़ा था वही हम यूज करेंगे, उसी पे अप्लाई करके देखेंगे ये प्रिंसिपल। इक्वेशन ऑफ मोशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्या था, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। इस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स को हमने राइट साइड ले लिया ये नेगेटिव साइन के साथ, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब यहाँ पे हमने देखा था कि जो ओमेगा नॉट है उसका वैल्यू क्या है, माइनस के अपॉन एम। अब यहाँ पे के और एम दोनों ही कांस्टेंट हमें पता है और ये सेकंड ऑर्डर है, ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर है लेकिन ये दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे जिसकी वजह से हम इसको बोलेंगे लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड इस इक्वेशन के लिए दो सॉल्यूशंस होंगे क्योंकि हम बात करेंगे साइमल्टेनियसली होने वाली ऑसिलेशंस, कम से कम दो सॉल्यूशंस की तो बात करनी पड़ेगी तभी हम उस पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा पाएंगे। तो इसका मतलब अगर दो हमारे पास ऑसिलेशंस है तो उसके रिजल्ट भी दो होंगे, उसका सॉल्यूशन भी दो होंगे। बिकॉज ऑफ लिनियरिटी द सम ऑफ इट्स टू डिफरेंट सॉल्यूशंस इज ऑल्सो इट्स सॉल्यूशन। सपोज कीजिए वो सॉल्यूशन कौन से हैं, एक तो है x1 विद विच इज फंक्शन ऑफ t, दूसरी डिस्प्लेसमेंट है x2 विच इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t। सपोज दीज आर टू डिफरेंट सॉल्यूशंस, तो इसके रिगार्डिंग x1 एंड x2 के कॉरस्पॉन्डिंग हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की जो इक्वेशन है वो कैसे लिखेंगे फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम। डी स्क्वायर एक्स के बजाय हम इस इक्वेशन में क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर वन को ही हम आगे इलेबोरेट करने वाले हैं, एक्स के बजाय हम क्या लिखेंगे एक्स वन। देखिए यहाँ पे लिख दिया दिस इज इक्वेशन नंबर टू, और उसके बाद सेकंड एक्स टू के लिए एक्स वन के बजाय एक्स टू लिखेंगे, दिस इज अनदर इक्वेशन इक्वेशन नंबर थ्री। अब हम अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड तभी करेंगे अगर हम उसका एल्जेब्रिक सम लेंगे। एल्जेब्रिक सम लेके देखिए तो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स वन प्लस एक्स टू, ओमेगा नॉट स्क्वायर तो कॉमन है, एक्स वन प्लस एक्स टू। इस वैल्यू से हमें ये पता चल रहा है कि अगर इन किसी भी जो ऑसिलेशंस है हार्मोनिक ऑसिलेशंस, जो दो हार्मोनिक ऑसिलेशंस होंगी जो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर रही हैं, उन केसेस में अगर उनके सॉल्यूशंस एक्स वन टी एक्स टू टी हैं, अगर वो दोनों ही सॉल्यूशन है तो उनका अल्जेब्रिक सम भी सॉल्यूशन होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इफ टू हार्मोनिक ऑसिलेशंस डिस्क्राइब्ड बाय डिस्प्लेसमेंट एक्स वन टी एक्स टू टी एक्ट ऑन बॉडी साइमल्टेनियसली देन रिजल्टेंट मोशन विच इज डिस्क्राइब्ड बाय एक्स टी इट इज गिवन बाय द सम ऑफ द डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स एंड द बाय समेशन ऑफ दीज different displacements of harmonic oscillations separately which gives rise to the resultant displacement। इसके वजह से इसी method से इसी solution से हमें पता चला कि इस केसेस में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में अगर स्प्रिंग मास सिस्टम पे लगाएं जो पेंडुलम पे लगाएं ये वैलिड हो सकती है। सुपरपोजिशन ऑफ इनिशियल कंडीशन, जो इनिशियल कंडीशन हमने पहले देखी थी उस पे क्या ये वैलिड है या नहीं। If a simple pendulum oscillates under initial conditions, which is the superposition of initial condition of its two separate oscillators, then the pendulum oscillates under combined influence of the both। मतलब अगर simple pendulum oscillate कर रहा है जब उसकी condition initial वाली conditions होंगी जो अभी हमने example के साथ समझी थी, तो क्या होगा जो pendulum होगा वो oscillate करेगा इन दोनों effects के साथ, उस पे इन्फ्लुएंस होगा दोनों ही ऑसिलेशंस का और वो साइमल्टेनियसली इफेक्ट इन्फ्लुएंस करेगा। अब हम ये शो करेंगे कि क्या ये अजम्पशन पॉसिबल है, वैलिड है या नहीं। तो इसके लिए हम इक्वेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स के साथ स्टार्ट करेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स विच इज एफ ऑन द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम।
ये हमने इक्वेशन फर्स्ट जो यूनिट है वहां पे हमने ये डेरिवेशन में ये इक्वेशन यूज करी थी, जब रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे टॉर्क की बात करी थी वहां पे हमने ये रिस्टोरिंग फोर्स लिखी थी। अगर आपको ये पता करना है कि वैल्यू कहाँ से आ गई है, इक्वेशन कहाँ से अभी एकदम से लिख दी है, तो आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी यूनिट नंबर वन, वहां पर आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे जो x है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जो सिंपल पेंडुलम है वो सिंपल हार्मोनिक का मोशन एग्जीक्यूट करता है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा एट एनी टाइम t वो पता है हमें साइनोसॉइडल होगा, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, a cos ओमेगा t विच इज अ फंक्शन ऑफ x, डिस्प्लेसमेंट विच इज अ फंक्शन ऑफ t एंड इट इज गिवन बाय a cos ओमेगा t, क्योंकि इक्वेशन क्या थी a cos ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, तब हमने इक्वेशंस वहां पे अप्लाई करी थी इनके लिए, पेंडुलम के लिए, जिसमें हमने ये रिजल्ट निकाला था, वही हम यूनिट नंबर फर्स्ट से ये रिजल्ट ले रहे हैं। तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जो एक्स वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कीजिए, क्योंकि हमें फोर्स अप्लाई करना तो हमें डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू चाहिए, वो हमने ले लिया, इसमें पुट कर दीजिए, पुट कर दिया। अभी हमने इनिशियल कंडीशन के बारे में बात करें, तो इनिशियल कंडीशन के लिए तो जो टाइम होता है वो तो जीरो होता है, तो यहाँ पे हम टाइम अप्लाई करेंगे जीरो, यहाँ पे कॉस ये ओमेगा टी जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एम जी एल ए, माइनस एम जी एल अपॉन ए, माइनस एम जी अपॉन एल इंटू ए विद नेगेटिव साइन। यहाँ पे अगर आप देखोगे मास ऑफ द बॉब, हमने पहले ही जब इनिशियल कंडीशन के लिए समझाया था, हमने कहा था कि दोनों ही इनिशियल कंडीशन के लिए मास ऑफ बॉब रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इट इज ग्रेविटी इट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, एल वैल्यू लेंथ भी स्ट्रिंग के लिए कॉन्स्टेंट रहेगी। ये जो एम्पलीट्यूड है ये फर्स्ट केस के लिए ए वन, सेकेंड केस के लिए ए टू, तो ये तो डिफरेंट है, इसका मतलब जो ये रीस्टोरिंग फोर्स है इट विल डिपेंड अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड, एट टाइम टी जीरो रीस्टोरिंग फोर्स इज डिटर्मिंड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। इसका मतलब जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करा था जिसपे उसके डिस्प्लेसमेंट उसका कितना था, ए वन था, तो वहां पर हम लिखेंगे जो फोर्स एफ वन होगा इट विल डिपेंड अपॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए वन, एंड एफ टू सेकेंड केस के लिए इट इज प्रोपोर्शनल टू ए टू, क्योंकि इनिशियल कंडीशन फॉर द पेंडुलम इन द थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था, ए थ्री विच इज द सम ऑफ बोथ, तो इसका मतलब अगर फोर्स जो है वो डिपेंड करता है ए वन पे भी ए टू पे भी, तो वो ऑब्वियसली उसके सम पे भी डिपेंड करेगा, इसीलिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं। इसका मतलब द पेंडुलम इन द थर्ड एक्सपेरिमेंट ऑसिलेट्स अंडर कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ ऑफ द टू ऑसिलेशंस। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल जो कि आपके न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज ऑल्सो गिवन बाय रूट जी अपॉन एल। अब यहाँ पे इक्वेशन दी गई है जो साइनोसॉइडल इक्वेशन में जो साइन थीटा उसका उसको उसके जो फॉर्मूला लिखा गया है अप्रोक्सीमेशन लगाने से पहले, दैट इज थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एंड विद पावर फाइव विद सेवन नाइन अप टू सो ऑन। यहाँ पे इसका जो इसको अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे नहीं की गई है, लेकिन जो अप्रोक्सीमेशन है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी क्यों अप्रोक्सीमेशन पॉसिबल, जो अप्रोक्सीमेशन है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपको इसका आंसर भी जो रीजन है वो भी पता चल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो है विल द इक्वेशन ऑफ मोशन रिमेन लीनियर इन थीटा। अगर हम साइन थीटा यहाँ पे यूज करें क्या वो फिर भी लीनियर रहेगा, इफ वी रिटेन द फर्स्ट टू टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ साइन थीटा एंड कंसीडर द रिजल्टिंग इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा वन एंड थीटा टू, विल द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल होल्ड और नॉट, ये हमें पता करना है। तो सोल्यूशन फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या होगा, क्या पूछा गया है कि अगर साइन थीटा को हम ले ये पूरे फॉर्मूले के साथ तो क्या ये होल्ड करेगा या नहीं, क्या वो लीनियर होगा या नहीं। हमने इक्वेशन क्या लिखी थी सिंपल पेंडुलम के लिए, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, थीटा की बजाय क्या लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है थीटा। अब अगर थीटा का वैल्यू यहाँ पे अगर साइन थीटा में पुट करेंगे साइन थीटा का फॉर्मूला, तो अगर आप इसमें इस इक्वेशन पे जरा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल रहा है कि थीटा की पावर वन तो है, उसके साथ थ्री भी है, उसके साथ फाइव भी है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो पावर है फॉर द वेरिएबल मैक्सिमम पावर फाइव भी है, सेवन भी हो सकती है,
मतलब वो एक पार से, फर्स्ट पार से ज्यादा पार है। तो हमने क्या बोला था, लीनियर इक्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या रहती है, नेसेसरी कंडीशन इज दैट हियर द वेरिएबल शुड हैविंग द हाईएस्ट पावर शुड बी वन। तो यहाँ पे पार एक्स्ट्रा जो है हायर है देन द वन, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होगी, ये लीनियर इक्वेशन नहीं मान सकते हम इसको। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या था, इफ वी रिटेन द फर्स्ट टू टर्म्स, इस फॉर्मूले में अगर सिर्फ फर्स्ट टू टर्म्स ही हम कंसीडर करेंगे इस एक्सपेंशन में, तो क्या जो रिजल्टिंग इक्वेशन आएगी मोशन के लिए, रिजल्टिंग इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या उस टाइम भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड होगा या नहीं होगा? अगर हम ऐसा करते भी हैं, दोनों इक्वेशन दोनों एक्सपेंशन में से दोनों टर्म्स अगर ले लें, तो फिर भी इक्वेशन लीनियर नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम भी एक तो थीटा टर्म ले रहे हैं, दूसरा थीटा क्यूब ले रहे हैं, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर इसकी कितनी होगी, 3 होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे लीनियरिटी जो थी वो डिस्टर्ब होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसको लिखेंगे कैसे, व्हेन वी रिटेन ओनली फर्स्ट टू टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ साइन थीटा, द रिजल्टेंट इक्वेशन विल नॉट बी लीनियर एंड इट विल कंटेन थीटा क्यूब टर्म, सो इट्स सोल्यूशन थीटा वन एंड थीटा टू विल नॉट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, देयरफॉर द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन विल नॉट होल्ड। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डिस्क्राइब बाय डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज गिवन बाय दिस डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0। अब इसका सोल्यूशन हमें निकालना है, फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है टाइम टी 0, डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर एंड डी एक्स अपॉन डी टी इज 0। अब हम इसको यूज करेंगे, फिर सेकेंड इक्वेशन में ये यूज करेंगे जिसमें डी टी गिवन है, एक्स गिवन है, साथ के साथ उसका जो डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 के बजाय कितना है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिनोट दीज टू सोल्यूशन x1t एंड x2t, जो भी आप सोल्यूशन निकालोगे उसको फर्स्ट सोल्यूशन को आप लिखोगे x1t और सेकेंड को लिखोगे x2t, एंड उसके साथ साथ आपको शो करना है, शो दैट फॉर अ न्यू डिस्प्लेसमेंट x3 इज इक्वल टू सम ऑफ बोथ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, द इनिशियल कंडीशन ऑफ द बॉब आर एसेंशियली सुपरपोजिशन ऑफ इनिशियल कंडीशन फॉर बोथ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो इक्वेशन थी उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, जहां से हमें ओमेगा नॉट की वैल्यू ले ली वो है 2 पर सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे सोल्यूशन, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, a cos 2t plus 5, ये हमें गिवन है। इक्वेशन क्या है, a cos 2t plus 5, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको कैसे, क्या आएगा, cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस आगे लग गया, साइन थीटा का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2, वो हमने आगे लगा दिया, दिस इज द डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन विच इज इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, टाइम t इज गिवन है 0, x भी गिवन है, डिफ्रेंशिएशन उसका 0 है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर यूज करेंगे इक्वेशंस को, वहां पे हम इस इक्वेशन में क्या लिखेंगे, x3 और a एज इट इज, t 0 है तो यहाँ पे सिर्फ बच गया cos 5। ठीक है, अब उसका डेरिवेटिव लगे, इसमें डेरिवेटिव निकालेंगे, जो डेरिवेटिव का वैल्यू है उसमें भी पुट करेंगे, ये हमें गिवन है वैल्यू 0 तो 0 लिख दिया, माइनस 2a एज इट इज लिख दिया, t 0 है तो आ गया sin 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। जो इक्वेशन नंबर 5 है, यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन से ये शो हो रहा है कि 5 इज इक्वल टू 0, क्यों 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड है वो 0 नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब कौन सी वैल्यू 0 हो सकती है, cos 5। अब अगर cos 5 0 है तो इसका मतलब a क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि एम्पलीट्यूड वुड नॉट बी इक्वल टू 0। द कंप्लीट सोल्यूशन इज x1t, जिसको हमने क्वेश्चन में गिवन है कि उसको लिखेंगे आप x1t के साथ, तो यहाँ पे a वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे a वैल्यू 3 थी तो हमने यहाँ पे देखिए 3 लिख दिया, cos 2t 5 0 था,
दिखा नहीं, दिस इज फर्स्ट सॉल्यूशन। अब सेकंड क्वेश्चन इक्वेशन हमें कंडीशन यूज करनी थी जहां पे एक्स भी अलग है और उसका डिफरेंशिएशन भी अलग दिया गया है। सिमिलरली हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने जो निकाला है एक्स इज इक्वल टू टू ए कॉस टी जीरो है तो कॉस फाइव बच गया, डिफरेंशिएशन कीजिए उसका फॉर्मूला था माइनस टू ए साइन फाइव, तो डी एक्स पॉन डी टी हमें गिवन है फोर तो हमने फोर पुट कर दिया। यहां पर हम दोनों को डिवाइड करेंगे, टेंजेंट फाइव इज इक्वल टू माइनस वन, इसको डिवाइड करोगे माइनस वन इस टर्म को और इस टर्म को, मतलब सिक्स एंड सेवन्थ एंड एट्थ इक्वेशन दोनों को डिवाइड करोगे तो टेंजेंट फाइव क्या आ जाएगा माइनस वन। यहाँ पे फाइव टेंजेंट वन कब होता है पाई बाय फोर पे, 45 डिग्री पे, नेगेटिव है तो हमने नेगेटिव फाइव माइनस पाई बाय फोर, मतलब ये जो नेगेटिव वैल्यू है हमने इसको रिजॉल्व करके लिखा माइनस थीटा, टेंजेंट माइनस जो है माइनस में है माइनस वन, तो यहाँ पे जो एंगल है माइनस 45 डिग्री बनता है। तो इस इक्वेशन को हम सेवन्थ इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। पुट करेंगे आप यहाँ पे फाइव वैल्यू पाई बाय फोर, कॉस पाई बाय फोर का फॉर्मूल वैल्यू क्या होता है अंडर रूट वन बाय अंडर रूट टू, कॉस पाई बाय फोर के लिए वन बाय अंडर रूट टू, यहाँ पे जो वन बाय अंडर रूट टू है अगर उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास अंडर रूट टू। तो देखिए यहाँ पे ए वैल्यू क्या आ गई टू अंडर रूट टू, देखिए यहाँ पे टू एज इट इज, जो यहाँ पे ए यहाँ पे वन बाय रूट टू को इस तरफ लेके गया मल्टीप्लाई हो गया, इसको हमने लिखा एम्पलीट्यूड टू रूट टू सेंटीमीटर। अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसका सोल्यूशन क्या होगा टू रूट टू कॉस ओमेगा नॉट, जो टू था ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, फाइव का वैल्यू तो माइनस में है तो यहाँ पे लिख दिया माइनस फाइव बाय फोर, दिस इज इक्वेशन नंबर नाइन। दोनों सोल्यूशन को निकाला, अब हम क्या करेंगे सिंस सुपर पोजिशन एक्स वन एंड एक्स टू इट द रिजल्टेंट वुड बी एक्स थ्री, तो एक्स वन प्लस एक्स टू दोनों को प्लस करेंगे। हम क्या करेंगे इन दोनों की वैल्यू जो हमने अभी निकाली थी एक्स वन के लिए एक्स टू के लिए दोनों पुट करेंगे, दोनों प्लस कर दिया। अब यहां पे क्या करेंगे कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, वो क्या होता है कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस वाई कॉस साइन एक्स साइन वाई, क्या फॉर्मूला होता है जैसे कि कॉस एक्स अगर माइनस में है तो वो होता है कॉस एक्स कॉस वाई प्लस, क्योंकि माइनस में है तो यहाँ प्लस आ जाता है फिर आ जाता है साइन एक्स साइन वाई। ये फॉर्मूला हमने लोअर क्लासेस में सीखा हो वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये एक्स है ये वाई है तो अप्लाई कर दिया कॉस पाई बाय फोर साइन पाई बाय फोर दोनों के लिए वैल्यू वन बाय रूट टू होता है तो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है अब टू अंडर रूट टू बाहर है तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो वैल्यू एज इट इज रहेगी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी टू कॉस टू टी, सिमिलरली यहाँ पे भी टू साइन टू टी। अब यहाँ पे देखिए कॉस टू टी दिस इज थ्री प्लस टू फाइव, कॉमन निकालोगे तो टोटल फाइव हो जाएंगे, फाइव कॉस टू टी प्लस टू साइन टू टी, ये हम क्या निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, इसलिए हमने यूनिट डाली यहाँ पे सेंटीमीटर, दिस इज इक्वेशन नंबर टेन। सुपरपोज द इनिशियल कंडीशन कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स वन एंड एक्स टू, इनिशियल कंडीशन पे हमने वैल्यूज जो है अप्लाई करी तो क्या आया यहाँ पे एक्स ए कॉस फाइव एंड फोर, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे उसके लिए वैल्यू फोर है डेरिवेटिव के लिए, अब इनको डिवाइड करोगे टेंजेंट फाइव क्या आ जाएगा माइनस टू बाय फाइव, साइन फाइव निकालिए यहाँ पे आप निकाल सकते हैं कॉस फाइव साइन फाइव निकालोगे तो आपके पास कॉस फाइव एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन करेंगे तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे द सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फॉर ऑन द सुपरपोजिंग फॉर टू इनिशियल कंडीशन, क्योंकि हमें ये शो करना था कि दोनों का सम भी इक्वल आएगा, तो यहाँ पे हमने एक्स थ्री कैसे निकाला इन दोनों का सम करेंगे, जो ये वैल्यूज हमने निकाली फाइव वैल्यू पुट करने के बाद हमने सम करा, उसके बाद कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस 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 एक्स कॉस वाई प्लस साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई, वैल्यू पुट करी इसमें कॉस फाइव फाइव बाय रूट ट्वेंटी नाइन था वैल्यू पुट करी, उसके बाद रूट ट्वेंटी नाइन बाहर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ट्वेंटी नाइन खत्म हो जाएगा इसलिए हमने नहीं लिखा। तो ये जो आपको रिजल्ट मिला है ठीक है ये एक्स थ्री के लिए है, और ये जो आपको रिजल्ट मिला है ये कब था जब हमने दोनों को प्लस करा, इसका मतलब एक्स थ्री सबसे पहले हमने इन दोनों को प्लस करके निकाला, फिर ये जो एक्स थ्री था ये हमने राइट हैंड साइड मतलब पहले राइट हैंड साइड सॉल्व कर ली फिर हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी है सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड एक्स थ्री। तो अगर आप इन दोनों का रिजल्ट देखोगे तो इक्वेशन नंबर 13 एंड इक्वेशन नंबर 10 दोनों का रिजल्ट सेम है,
यही हमें शो करना था। और ये हमने डेरिवेशन में पढ़ा है कि अगर हम दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को सम करते हैं और दूसरी साइड उसका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं तो सम एंड रिजल्टेंट दोनों इक्वल आएंगे। दिस इज द वैलिडेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। थ्योरेटिकली हमने पहले डिस्क्राइब करा था, अब हमने उसको न्यूमेरिकली हमने उसको प्रूव कर दिया है। तो इसी के साथ आपका ये वीडियो हम आज खत्म कर रहे हैं, जिसमें हमने इसका फर्स्ट जो पार्ट था डिस्कस किया कि सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेशंस का मतलब क्या है, कैसे हम उसको समझेंगे, एक्सपेरिमेंटली समझा, एग्जांपल्स के साथ समझा। उसके बाद हमने उसके लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए भी जब रिस्टोरिंग फोर्स हमने फाइंड करी थी फॉर बॉक्स के लिए और उसके साथ साथ सिंपल पेंडुलम के लिए, दोनों के लिए हमने अप्लाई करके देखा वैलिड था। फिर हमने उस पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करा, उसकी वैलिडेशन चेक करी, फिर हमने उसको न्यूमेरिकल के साथ भी उसको प्रूव कर दिया। तो इसके साथ ही हम आज की वीडियो खत्म कर रहे हैं। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट है इस टॉपिक को समझने में, कोई भी टर्म अगर नहीं समझ आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर कर देंगे, आपका डाउट क्लियर करेंगे। और इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई आपको वीडियो चाहिए, जल्दी चाहिए, जो सबसे पहले चाहिए, तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं, वही जो वीडियो होगी हम सबसे पहले अपलोड करेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।